हर एक स्टूडेंट जो टाइपिंग कर रहा जां टाइपिंग सीखना चाहता है उसके मन दे विच एक सवाल जरूर होना कि टाइपिंग स्पीड बढ़ाने को कितना कु टाइम लग जाता है जां किसी भी टाइपिंग टेस्ट पास करने वास्ते कितने कु तैयारी दे नाल आपा तैयार हो जाते हैं। हुण ये सिर्फ तुहाडा सवाल नहीं है, तुहाडे नाल जिहड़े बच्चे टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट का यह सवाल होंगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैं तुहानू अपने 15 साल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हाँ, अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के बेस से ही मैं तुहानू गाइड करना चाहती हाँ। हुण जिदा कि तुहानू पता है एक स्मार्ट टेक एजुकेशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो कि नियर पंजाब यूनिवर्सिटी इन पटियाला सिंस 2009 जो कि पटियाला दे विच बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और इतने के हर साल के जोड़े अपने रिजल्ट हैं पीट प्लस बी के हमेशा नंबर वन पर रहते हैं। सब तो पहला तो जे तुसी किसी भी एग्जाम के लिए टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो तुहानू उस एग्जाम का टाइपिंग टेस्ट का पैटर्न पता होना चाहिए कि उसके विच कितनी स्पीड मंगी गई है, कितनी एक्यूरेसी मंगी गई है, कितने कैरेक्टर के बेस से होना है कि वर्ड बेस से थोड़ा टेस्ट होना है, तुहानू सारा कन्फर्म होना चाहिए है ताकि तुसी अच्छी तैयारी कर सको। हुण जिदा कि पीट प्लस बी के होंगे तो इंग्लिश एंड पंजाबी बोथ लैंगुएजेस का 30 वर्ड पर मिनट एंड 92% एक्यूरेसी के नाल टेस्ट पास मनिया जाता है। तो ये जे 30 वर्ड पर मिनट उन्होंने मंगे हैं तो तुहाडी जिहड़ी तैयारी है 40 स्पीड की होनी चाहिए है, यानी कि जे अपन 30 वर्ड मंगया गया है तो आप जो तैयारी करांगे 40 वर्ड पर मिनट तो एक्यूरेसी घटो घट अपनी जे उत्थे 92 मंगी गई है तो तुसी 92 नहीं लेके जाना, तुसी 98% एक्यूरेसी दे नाल ही तैयारी करनी है क्योंकि जे तुहाडी 40 वर्ड पर मिनट विद 98% एक्यूरेसी दे नाल तैयारी की गई है तो उहदा जिहड़ा एग्जाम दे विच तुहाडा रिजल्ट होएगा बहुत वधिया होएगा क्योंकि एग्जाम टाइम दे विच आपां थोड़ा जिहा नर्वस हो जांदे, एग्जाम दा साडे उपर प्रेशर हुंदा है तो उहदे करके थोड़ी बहुत अपनी स्पीड थोड़ा डाउन हो जाती है, घट जाती है। तो तुसी हमेशा कोशिश करो कि जे 30 मंगी गई तो 40 दी स्पीड नियर अबाउट तुसी 40 तक लेके जाना है उसे। तो जिहड़े स्टूडेंट पहला रिटन एग्जाम क्लीयर करते हैं उस तो बाद सोचते कि हुण टाइपिंग टेस्ट की तैयारी की जाए तो यह सब तो बड़ी गलती करते हैं क्योंकि उधरों एग्जाम का अपने को डेट आ जाती है, टाइपिंग टेस्ट की डेट आ जाती है, चाहे तुम्हें 1 महीना मिले 2 महीना भी मिल जाता है कई बार, बट उस टाइम इन्ना एग्जाम का प्रेसर होंगे कि स्पीड नहीं बनती है, तुम बहुत ज़्यादा मतलब प्रेसराइज्ड होते हो उस टाइम। तो हम आप गल करते हाँ टाइपिंग टेस्ट की स्पीड बनाने वास्ते कितना कु टाइम लगता है, तो यह टोटली डिपेंड करता है कैंडिडेट के उपर। कुछ कैंडिडेट जिन्हों की पिकअप अच्छी होंगी है वो विद इन 1 महीने भी तैयारी कर लेंगे ने। तो मैं हर एक स्टूडेंट को कहना चाहती हाँ जो कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह ना सोचा करो कि पहला थोड़ा रिटन एग्जाम क्लियर होएगा उस तो बाद टाइपिंग टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करोगे क्योंकि जो अपना रिटन एग्जाम क्लीयर होंगे उस तो बाद अपन जो टाइम मिलता है हो सकता है तो 1 मंथ या 2 मंथ भी मिल जाए, बट उस टाइम के क्या होंगे कि अपने को एग्जाम का इन्ना ज़्यादा प्रेसर होंगे कि टाइपिंग टेस्ट की तैयारी नहीं हो पाती, अपनी वो स्पीड नहीं बन पाती है। तो हमेशा अपन नाल दे नाल टाइपिंग टेस्ट की जो है तैयारी नाल दे नाल स्टार्ट कर लेनी चाहिए है। तो लाइफ के विच आपां कोई भी काम कर रहे उहदे विच डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। हुण जिथे आपां टाइपिंग कर रहे इहदे विच भी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट होकर अगर जे तुसीं 1 आवर की क्लास लगाओ इहदे नाल भी तुहाडे बहुत अच्छे रिजल्ट आउणगे। जिहड़े बच्चे सोचते हैं कि एग्जाम दो जिन्हां नूं 1 मंथ मिल जाता है कि 1 मंथ दे विच आपां पूरा दिन रात प्रैक्टिस करके टेस्ट पास कर लाँगे, उहदा क्या होंदा है कि पूरा दिन रात प्रैक्टिस प्रैक्टिस दे नाल तुहानूं रैसट भी चाहीदी हुंदी है। जे तुसीं बिना रैसट तों दिन रात प्रैक्टिस करदे हो तां उहदे नाल बॉडी दे विच बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जांदी, जिवें तुसीं बहुत फैटिक हो जांदे हो, बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जांदे हो, बॉडी पेन से स्टार्ट हो जांदी है। तो सब तो बेस्ट वे है कि 6 मंथ मिनीमम अपन देना चाहिए, अगर आप मिनीमम 1 आवर की प्रैक्टिस भी रखिए 6 मंथ के जे अपन सही गाइडेंस मिले सही प्रैक्टिस आप करिए 1 आवर 6 मंथ के आप बहुत अच्छा कर सकते हाँ। तो पीट प्लस बी टाइपिंग टेस्ट तो रिलेटेड ऑलरेडी अपने चैनल के वीडियोज़ पई हुई हैं, ऑलरेडी अपने चैनल के इंग्लिश एंड पंजाबी की प्लेलिस्ट भी पई है, तुम जाके चैकआउट कर सकते हो एंड इसी तरह की वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सबसक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो एंड थैंक यू सो मच।